प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा बीए द्वितीय वर्ष विषय राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाओं के तहत आज के हमारा अध्ययन का टॉपिक है अभिसमयों पालन के आधार तथा अभिसमयों का महत्व है, यानी ब्रिटिश संविधान की एक आधारभूत विशेषता अभिसमय या वैधानिक परंपराएं हैं, उनके पालन क्यों किया जाता है, उसके आधार क्या क्या हैं और इन अभिसमयों या की उपयोगिता क्या क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अभिसमयों के पालन के आधार या अभिसमयों का पालन क्यों करते हैं, उन कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु है उपयोगिता। अभिसमय है वो उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। राजनीतिक ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में जो कानून है उनके पूरक की भूमिका निभाते हैं अभिसमय, यानी कानून में कोई कमियां रह गई तो उनको पूरा करने का कार्य ये अभिसमय करते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी हैं। दूसरा, लोकमत की शक्ति। इन अभिसमयों या वैधानिक परंपराओं के पीछे जनमत या लोकमत की शक्ति है, इस कारण इन अभिसमयों को जनता स्वीकार कर लेती है और जनता के हित के इनका उपयोग जारी है। तीसरा, ब्रिटिश लोगों की राजनीतिक जागरूकता भी अभिसमयों को या वैधानिक परंपराओं को आगे बढ़ाने में, उनको निरंतर जारी रखने में सहायक है। वहाँ के लोग किसी भी, चाहे राजा हो या चाहे मंत्रिपरिषद के सदस्य हो या संसद हो, जो अभिसमयों का उल्लंघन करता है उसका विरोध करते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते। नंबर चार, राजनीतिक दलों में मतके या एकता। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं वो अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे के लेकर के एक राय हैं, एक मत हैं, उनको लेकर के उनका कोई अलग अलग दृष्टिकोण नहीं है। नंबर छः, मनोवैज्ञानिक रूप से भी ये अभिसमय या वैधानिक परंपराएं लोगों को मानसिकता रूप से मजबूत करते हैं, एक मनोवैज्ञानिक अनुशक्ति का कार्य करते हैं। इन अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है, इसको लेकर के डाइसी ने ये कहा है कि अभिसमय और कानून परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, यानी अभिसमय और कानूनों को अलग अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए, कानून की पूर्व की भूमिका में अभिसमय है। लोवेल ने कहा है कि अभिसमय नैतिकता के नियम होने के कारण इनका पालन किया जाता है, यानी ये वैधानिक परंपराएं या अभिसमय नैतिकता के नियमों के समान है और इसलिए जनता इनका स्वाभाविक रूप से पालन करती है। लास्की ने भी कहा कि अभिसमय या वैधानिक परंपराओं के पालन के दो कारण हैं। पहला तो यह है कि अभिसमय प्रचलित संवैधानिक सिद्धांतों के अनुसार और उनके क्रियान्वयन में सहायक होते हैं। दूसरी बात लास्की ने यह कही है कि ब्रिटिश राजनीतिक दल आधारभूत राजनीतिक और सामाजिक ढांचे के संबंध में एकमत हैं, इसलिए अभिसमयों या परंपराओं या वैधानिक परंपराओं का पालन किया जाता है। तो ये पहला बिंदु तुम्हारा इसको लेकर के था कि अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है, क्या क्या कारण है, वो तो ये नौ बिंदु है, ये स्पष्ट कर दिया। दूसरा, ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों या वैधानिक परंपराओं का महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है, वो इस प्रकार है। ब्रिटिश संविधान के विकास में अभिसमय या वैधानिक परंपराएं सहायक की भूमिका निभाती हैं। दूसरा, ब्रिटिश संविधान को कार्य रूप या क्रियान्वित करने में भी अभिसमयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिना अभिसमयों या वैधानिक परंपराओं की पालना के ब्रिटिश संविधान को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम रूप प्रदान करने का कार्य ये अभिसमय या वैधानिक परंपराओं के द्वारा ही ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में किया जा रहा है। कोई कानून कितना अच्छा है, कितना, इसको मूल्यांकन तभी वहां की जनता करती है अगर वो अभिसमय या वैधानिक परंपराओं के अनुकूल हो। कोई भी ऐसा कानून जो वैधानिक परंपराओं या अभिसमय के विरुद्ध है उसको जनता जल्दी से स्वीकार नहीं करती है। नंबर चार, अल्पसंख्यक वर्ग को अपने अधिकारों की रक्षा का अवसर भी अभिसमय या वैधानिक परंपराओं के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। और नंबर पांच, जन संप्रभुता के सफल बनाने के लिए भी ये अभिसमय या वैधानिक परंपराएं ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य हैं। तो ये आज का हमारा महत्वपूर्ण बिंदु था, अभिसमय के पालन के क्या क्या कारण हैं और अभिसमयों का ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में क्या महत्व है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।